आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्लस टू पॉलिटिकल साइंस यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इसके पिछले दो वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं से क्या अभिप्राय है, इसके उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं और भारत में कैसे जो है एक क्षेत्र विशेष के प्रति जो लगाव है लोगों का और वो अपने एक अलग अस्तित्व या एक अलग क्षेत्र की डिमांड करने लग जाते हैं, उसमें वो आधार उनका भाषा हो सकता है, वो असंतुलित विकास हो सकता है, गरीबी हो सकता है, बेरोजगारी हो सकता है, उनकी अपनी कल्चर हो सकती है, या फिर जो केंद्रीय सेवाओं में उनके साथ लगातार हो रहा जो भेदभाव है, इससे उन क्षेत्र विशेष के लोगों में एक असंतोष की भावना जो है वो जन्म ले लेती है और उसी असंतोष की भावना से वो एक अलग पृथक अस्तित्व की मांग करने लग जाते हैं, उसी को कहा जाता है क्षेत्रवाद। तो उसके पिछले दो वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो पार्ट फोर्थ है, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो पंजाब का जो क्षेत्रीय दल है, प्रमुख क्षेत्रीय दल जो आजादी से पहले था, उसकी स्थापना हुई थी 1920 में, अकाली दल और पंजाबी सूबे की मांग को लेकर के जो एक आंदोलन चलाया गया जिसमें हत्या, लूटपाट, हिंसा, सांप्रदायिक दंगे, आगजनी और इतना ज़्यादा उसने एक सशस्त्र विद्रोह का रूप धारण कर लिया था, एक अलग देश खालिस्तान की मांग को लेकर के। और फिर उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो खालिस्तान की जो मांग उठाई गई थी, उसके लिए उसने लोकतांत्रिक तरीके से शांति वार्ता का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन जब उसको सफलता नहीं मिली तो फिर उसने मिलिट्री द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस कर चुके करेंगे। तो सब पहले हम ये देखते हैं कि पंजाब के अंदर जो एक अलग खालिस्तान की जो मांग की गई थी, उसके पीछे कारण क्या थे। तो हम देखते हैं कि 1980 का जो दशक है, 1980 का जो दशक है या काल, जो समय जो है पंजाब के अंदर, जिसमें एक क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने जन्म लिया और जो धर्म और राजनीति दोनों से प्रेरित था, यानी कि पंजाब के अंदर जो क्षेत्रवाद की जो भावना है, उस भावना में धर्म और जाति, धर्म और राजनीति दोनों से प्रेरित था, यानी धर्म और राजनीति जो है ये दोनों से प्रेरित था। तो उसके पीछे थोड़ा सा हम कारण देखते हैं कि क्या कारण रहे ऐसे कि 1980 के अंदर वो एक सशस्त्र विद्रोह का रूप उसने धारण कर लिया। तो देखते हैं कि उस क्षेत्र की जो संरचना है उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, जो हमारा पंजाब स्टेट है, पंजाब, पंजाब, इसकी जो सामाजिक संरचना है, इसकी सामाजिक संरचना में पहली बार जो बदलाव हम देखने को मिलता है, तो वो बदलाव हमें देखने को मिलता है कि जब भारत का विभाजन हुआ, यानी कि भारत का जो विभाजन है, उस विभाजन से पहली बार पंजाब की जो सामाजिक संरचना है उसमें बदलाव आया। कारण क्या था इसका कि देखो, 1947 में जो इंडिया का पार्टीशन हुआ और एक अलग देश बना पाकिस्तान, तो जो विभाजन जो था, ये जो विभाजन की जो एक रूपरेखा है, उसके लिए जो एक प्लान बनाई गई थी, उस प्लान से पहले ही क्या हुआ कि इस पंजाब के अंदर, यानी कि जो ये हमारा पूर्वी पाकिस्तान जो बना, बांग्लादेश जो है आज, बंगाल को काट करके, और जो पश्चिमी पाकिस्तान बना वर्तमान आज,
ये पंजाब सिंध को मिलाकर के और नॉर्थ फ्रंट एजेंसियां जो हिंद को मिलाकर के एक अलग देश बना था पाकिस्तान। तो यहां हम देखते हैं कि जो भारत का जो विभाजन हुआ और जो पंजाब जो एक बहुत बड़ा विशाल स्टेट था, किसी जमाने में जब महाराजा रणजीत सिंह यहाँ के शासक होते थे तो लाहौर इसकी कैपिटल होती थी, काफी ताकतवर और योग्य शासक था जिसने 12 मिसलों को मिलाकर के एक पंजाब, बहुत बड़े पंजाब स्टेट का निर्माण किया था। जैसे आज वर्तमान हरियाणा, पाकिस्तान का जो पंजाब स्टेट है ये भी पंजाब के हिस्से में था, वर्तमान का पंजाब, पेप्सू और हिमाचल का जो पहाड़ी जो क्षेत्र है इसको मिलाकर के एक बहुत बड़ा ये विशाल प्रांत था जिसकी राजधानी जो है वो लाहौर होती थी। और अब देखते हैं हम कि जब भारत का विभाजन हुआ तो देखो सबसे ज्यादा उस विभाजन की जो त्रासदी जो झेली गई थी वो पंजाब के जो लोग थे, विशेषकर सिख कम्युनिटी के जो लोग थे, इनको सबसे ज्यादा जो है एक मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एक प्रकार से कह सकते हैं उनके जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, या जो उनका जो नुकसान है, जो घाटा है, वो सबसे ज्यादा इनका हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि जब डायरेक्ट एक्शन शुरू किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा कोलकाता में, जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे हिंदू और मुसलमानों के बीच, मारकाट, हत्या, लूटपाट, आगजनी, रेप कैसी घटनाएं, महिलाओं का अपहरण, और इस प्रकार हिंदू मुस्लिम के बीच मारकाट, आपने शायद एक मूवी देखी होगी गदर एक प्रेम कथा, तो उसमें इसका पूरा का पूरा, वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि वो एक उस समय की एक रियल है जिसमें 5 लाख लोग मारे गए थे और 80 लाख लोग जो है वो प्रभावित हुए थे। तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पंजाब, यानी कि विशेषकर पंजाबी भाषा बोलने वाली या सिख कम्युनिटी के जो लोग थे, एक तो इनके रिसोर्सेज मतलब सबसे ज्यादा जो उपजाऊ जमीन थी, कम से कम 11 जिले जो हैं वो पाकिस्तान में चले गए पंजाब के। इसी प्रकार जो वाटर रिसोर्सेज है उसका जो संसाधन थे वो पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। और सबसे ज्यादा जो है मारकाट जो हुई थी या इनकी महिलाओं के साथ जो बलात्कार या रेप कैसी जो घटनाएं हुई थी, सबसे ज्यादा इन्हीं के साथ जो है इनको एक मतलब वो लाइफ में वो अपनी उन मुसीबतों का, उन समस्याओं का सामना करना पड़ा था कि जब आपके सामने आपकी बेटी का अपहरण कर लिया जाता है, आपकी पत्नी का अपहरण कर लिया जाता है, या उसको मजबूर किया जाए अपनी बेटी के साथ अवैध संबंध बनाने को लेकर, यहाँ तक कि घटनाएं थी मुस्लिम के द्वारा। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक तो उनके साथ ये बुरा बर्ताव हुआ, फिर दूसरा इनके रिसोर्सेज जो हैं वो चले गए, तीसरा जो कारण है कि इनके प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं वो जैसे ननकाना साहिब है जहाँ ये जो महात्मा, जो सबसे पहले जो गुरु नानक देव थे, इनका जो जन्म स्थान है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। और फिर इनकी एक प्रकार से जो अस्मिता, एक प्रकार हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा इनको अपने उन जो भारत विभाजन है उसको सबसे ज्यादा इन्होंने फेस किया था। फिर हम देखते हैं कि एक मांग उठी थी और उस मांग क्या था कि भाषा के आधार पर पंजाब का फिर से पुनर्गठन किया जाए, पंजाब जो राज्य है इसका फिर से पुनर्गठन किया जाए। पुनर्गठन का मतलब क्या है, देखो कुछ हम देखते हैं आंध्रा स्टेट जो है वो 1953 में भाषा के आधार पर एक अलग स्टेट बन गया, लेकिन पंजाब को 1966 तक इंतजार करना पड़ा, 1966 तक पंजाब को जो है वो इंतजार करना पड़ा। और फिर उस समय के तत्कालीन जो अकाली नेता थे मास्टर तारा सिंह, फ्रीडम फाइटर थे, अकाल प्रसिद्ध लोकप्रिय अकाली नेता भी थे, और उन्होंने क्या काम किया, एक अलग पंजाबी सूबे की मांग रखी गई थी। पंजाबी यानी कि भाषा के आधार के पीछे उनकी मूल जो भावना थी, मूल भावना थी वो थी कि एक सिख स्टेट यानी कि एक पंजाबी सूबे की मांग रखना, ये उनकी एक महत्वपूर्ण, हम ये कह सकते हैं कि एक डिमांड थी, मांग थी, उसके पीछे मूल भावना थी एक पंजाबी स्टेट, एक
सिख सूबे की मांग रखना। फिर देखो जो इसका विभाजन हुआ, उस विभाजन के बाद हम देखते हैं जो पुनर्गठन हुआ 1966 में, तो पंजाब के जो पूर्वी इलाका था, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र जो है पंजाब का, उसमें हिंदी भाषा बोली जाती थी। तो यहां देखो इन्होंने क्या काम किया, जैसे पेप्सू हरियाणा और जो पंजाब स्टेट है, यानी कि पंजाबी भाषा जो है इसको आधार माना गया था। लेकिन हम देखते हैं कि 1967 में, यानी कि पंजाब के जो पुनर्गठन है उसके बाद हम देखते हैं, तो पंजाब के पुनर्गठन के बाद जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं, उस स्टेट इलेक्शंस में 1966-7 और 1977, ये जो दौर था, उस दौर के दौरान यानी कि गठबंधन की जो सरकारें जो हैं उनका निर्माण हुआ, जो गठबंधन की सरकारें थी उनका निर्माण हुआ, यानी कि जो एक अलग अपनी एक डोमिनेंट, अपना एक वर्चस्व, अपना एक दबदबा जो है, और विशेषकर सिख कम्युनिटी के। तो हम यहां देखते हैं कि जब गठबंधन सरकारें हुई है पंजाब के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि अकालियों का जो प्रभाव है या उनका जो प्रभुत्व है या एक पंजाबी सूबे की जो भावना है, उसमें एक प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि उसको इतना ज्यादा समर्थन, जन समर्थन नहीं मिल पा रहा है। तो उससे क्या हुआ, एक तो गठबंधन सरकारों का निर्माण हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो पंजाबी सूबे की जो एक अपना जो वर्चस्व है, दबदबा है, वो कायम नहीं हो पाया है। ये जो गठबंधन सरकारें थी, उन गठबंधन सरकारों को केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग जो है इन सरकारों को सस्पेंड कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, यानी कि सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। तो यहां हम देखते हैं कि पंजाबी भाषी लोगों के अंदर अब भी अपनी एक वर्चस्व की लड़ाई थी। उसमें देखो क्या कारण था कि नंबर एक, जो पंजाब की जो आई जो संरचना है उसमें हम ये देखते हैं कि जो बदलाव हुआ है उसके अंदर, यानी कि वहां जो हिंदू हैं, वो हिंदू जो हैं वो अकालियों को समर्थन नहीं दे रहे हैं, एक कारण। दूसरा, जो सिख समुदाय के जो लोग हैं, इस सिख समुदाय के लोग भी, यानी सिख कम्युनिटी, सिख धर्म के लोग भी जातिगत आधार पर बटे हुए हैं, यानी कि इनके अंदर भी तेरे और मेरे की भावनाएं हैं। तो ये जो जातिगत जो आधार था और इसके अंदर जो दलित, यानी कि विशेषकर जो सिख कम्युनिटी में हैं लेकिन वो दलित हैं या अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, वो जो हैं अकालियों को इतना ज्यादा समर्थन नहीं दे पा रहे हैं। तो इस कारण क्या हुआ, इससे इनके मन में, यानी कि जो पंजाबी सूबे की जो मांग जबरदस्त बढ़ रही है, इनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि भी दिल्ली जो है या केंद्र की सरकार जो है वो हमारे मामलों में इंटरफेयर कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। तो इनकी एक तो देखो क्या था, इनकी ये डिमांड हुई कि भी भाषा के आधार पर फिर से पंजाब का पुनर्गठन किया जाए। कारण क्या था, देखो राजस्थान की सीमा के साथ लगती पंजाब की सीमाएं, यानी कि जहां वो पंजाबी भाषी जो लोग बोलते हैं उनको पंजाब में शामिल किया जाए, इसी प्रकार हरियाणा के साथ लगती जो सीमाएं हैं और जहां पंजाबी भाषी बोलने वाले जो लोग हैं, आप अपने हरियाणा में भी देखो, आप अंबाला जाओ, कैथल इस साइड जाओ, तो सबसे ज्यादा जो है वो पंजाबी भाषा और सिख समुदाय के जो लोग रहते हैं वहां, तो बोले इनको भी हमारे अंदर शामिल करो, और इसी प्रकार हिमाचल के अंदर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी सामाजिक संरचना में आया जो बदलाव है, और उनके साथ उनके मन में यह हुआ कि हमारे साथ हो रहा भेदभाव है, और जो पंजाबी सूबे की जो पहचान है जिसमें हमारा जो एक प्रकार से हम डोमिनेंट रहे या हमारा वर्चस्व रहे, हमारा दबदबा रहे, उसमें अब भी कुछ विसंगतियां हैं,
कुछ उसके अंदर फॉल्ट हैं, दोष हैं। तो इसको लेकर के क्या हुआ कि एक 1973 यानी कि 1973 में, 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 के अंदर, यानी कि एक रेजुलेशन जो है ये पास किया गया सिख या अकाली दल के द्वारा, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। इस आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्या हुआ, पहला प्रोसीजर क्या था, पहला प्रावधान क्या था कि भाई केंद्र की जो सरकार, देखो अपने देश के अंदर जो संघात्मक शासन प्रणाली है, उस संघात्मक शासन प्रणाली में एक केंद्र की सरकार होती है, एक राज्य की सरकार होती है। केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच जो है पावर ज्यूरिडिकेशंस को लेकर के, पावर एंड फंक्शंस और ज्यूरिडिकेशंस को लेकर के पावर का जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसमें तीनों जो सूचियां हैं उनमें सरकारें अपना अपने अधिकार क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन इनका मानना था कि देश की रक्षा, वित्त, संचार और रक्षा, वित्त, संचार और विदेश, ये तो सब्जेक्ट रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहे, बाकी जितने भी विषय हैं वो विषय जो हैं वो राज्य के पास होने चाहिए। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि भाई धारा 356 जो है इसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि 1967 और 77 के अंदर जो गठबंधन सरकारों का जो निर्माण हुआ था और वो अपना कार्यकाल सरकारें पूरा नहीं कर पाई और फिर वहां राष्ट्रपति शासन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, तो अकालियों के या पंजाबी सूबे की जो मांग रखने वाले लोगों के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बार बार हमारे मामलों में इंटरफेयर कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, यानी कि उसके लिए उन्होंने जिम्मेदार माना सेंटर को यानी केंद्र की सरकार को। तीसरा ये था प्रावधान कि चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ वो दे दिया जाए या स्थाई राजधानी बना दिया जाए किसकी, पंजाब की, यानी कि देखो चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब की संयुक्त कैपिटल है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भी चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाए या उसकी स्थाई राजधानी बना दिया जाए। नंबर चार क्या था, नंबर चार ये था कि भी जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इसके साथ लगती पंजाब की जो सीमाएं हैं, यानी कि पंजाब की जो सीमाएं हैं और उसके अंदर जो पंजाबी भाषी बोलने वाले जो लोग हैं उनको पंजाब के अंदर वो क्षेत्र जो है वो पंजाब को दे दिया जाए, ताकि उनका ये मकसद था कि उस सामाजिक संरचना में डोमिनेंट रहें पंजाबी भाषी लोग, विशेषकर सिख समुदाय के लोग। ये जो प्रपोजल था, इस प्रपोजल को इंदिरा गांधी ने अपने देश की जो संघीय ढांचा है, जो संघात्मक शासन प्रणाली है, उस संघात्मक शासन प्रणाली के खिलाफ माना कि भाई ये तो देश को तोड़ने वाली बात हुई, इसे तो फिर दूसरे स्टेट या और लोगों के मन में इस प्रकार की अलगाववादी भावनाएं बढ़ जाएंगी धीरे धीरे, और देखा देखी दूसरा स्टेट जो है वो अलग होने की मांग करेगा, तो इससे देश की जो राष्ट्रीय एकता अखंडता है वो भी कमजोर हो जाएगी। साथ के साथ दूसरा ये था, साथ के साथ ये भी था कि इससे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कमजोर हो जाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी देश की जो केंद्रीय सत्ता है यदि वो कमजोर हो गई तो फिर देश अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, फिर तो यहाँ देश की जो एक प्रकार से जो इंटरनल सिक्योरिटी है और वो भी खतरे में हो जाएगी, क्योंकि सेंटर को यदि पावरफुल ना बनाया जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी देश की, तो इससे देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता भी खतरा होगा। तो इस प्रपोजल को इंदिरा गांधी ने माना कि ये देश का जो संघीय ढांचा है, जो संघात्मक शासन प्रणाली है, उस संघात्मक शासन प्रणाली के खिलाफ है।
यहां पर जब उस प्रपोजल को मान्यता नहीं दी गई तो पंजाबी भाषी लोगों के अंदर अपनी क्षेत्रीय भावनाएं जो हैं वो बढ़ने लगी थी और अब वो डिमांड करने लगे थे खालिस्तान की कि भी जिस प्रकार मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान बन सकता है तो पंजाबी भाषा या सिख समुदाय मानने वाले लोगों के लिए एक अलग देश खालिस्तान क्यों नहीं बन सकता। तो उसके बाद देखो क्या है पंजाब के अंदर, यानी कि 1980 का जो दौर है उस दौर के अंदर जो एक सशस्त्र विद्रोह जो है वो बढ़ने लगा लोगों के अंदर, और फिर हम ये कह सकते हैं कि आगजनी, हिंसा, लूटपाट या जैसे जो गैर सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको टारगेट करना, हिंदू जैसे या हिंदी भाषी बोलने वाले लोग हैं उनकी हत्या करना, जैसे कोई बस में ट्रेवल कर रहा है कोई व्यक्ति और यदि वो गैर सिख है तो बस से नीचे उतार करके लाइन में खड़ा करके उसको गोली से उड़ा देना या उनकी हत्या कर देना, बलात्कार घटना, इस प्रकार की क्या है कि पूरे पंजाब के अंदर एक प्रकार से अशांति का माहौल जो है वो पैदा हो जाता है। और उस अशांति के माहौल के अंदर एक जो मतलब जो एक सिख नेता उभर करके आता है भिंडरे वाला, जो जिसने कैप्चर कर लिया था पूरे के पूरे श्रवण मंदिर को अकाल तख्त के माध्यम से, वो पूरी की पूरी अपनी आतंकवादी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। और पंजाब के अंदर एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वो जो पीरियड था, वो जो काल था, वो समय जो था वो अशांति का था, विद्रोह का था, लूटपाट का था, हत्याओं का दौर था, यानी कि पूरे के पूरे पंजाब के अंदर जो है एक अशांति थी। और फिर कैसे उसको काबू में लाया गया और फिर जो अपने देश के उस समय जो सेना अध्यक्ष थे, थल सेना अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह बरार, उसने जो एक ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, उस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कल आपको बताएंगे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और उसके पीछे कारण क्या थे कि कैसे संत भिंडरे वाला जो है वो एक करिश्माई जो नेता के तौर पर उभर के आया था उस समय दौर में, और कैसे उसकी हत्या के बाद जो है पंजाब के अंदर फिर छोटी मोटी घटनाएं घटती हैं, ऑपरेशन थंडर जो है वो चलाया जाता है केपीएस गिल के नेतृत्व में। तो ये सारी चीजें हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।